स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के बहुत बड़ी बात कही, अब कार्ति चिदम्बरम भी उनके समर्थन में आ गए। देखिए, एक प्लैंड वे में योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित किया जा रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, क्योंकि जो स्टालिन ने जो भाषण पढ़ा वो लिखित भाषण था और कॉन्फ्रेंस क्या था, जो सनातन धर्म को एडिकेट करना, समाप्त करना, तो यानी सम्मेलनी था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया जाता है और फिर कार्तिक चिदम्बरम और कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करते हैं। लालू यादव ने चुप्पी साध लिया, नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला, और ये वही लालू यादव है जो थावे के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, और दूसरे राहुल गांधी जो जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं और सावन के महीने में मटन बनाकर खाते हैं और फिर उसकी वीडियो को वायरल करके हिंदुओं की भावना को आघात पहुंचाने का काम करते हैं। तीनों ने तो तय कर रखा है कि इनका जो गठबंधन है हिंदुओं को जलील करना, अपमानित करना, और इसलिए जो स्टालिन है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक प्रकार की हेट स्पीच समाज में दुर्भावना पैदा करना, हेट पैदा करना, तो इस तरह की हेट स्पीच देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने लालू यादव को लेकर के अपशब्द बोला है, सठिया गया शब्द ऐसा यूज किया है। देखिए, गोपाल मंडल तो बोलते रहते हैं, लेकिन जो बोला कोई गलत तो नहीं बोला है। अब लालू यादव थावे के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और राहुल गांधी के साथ मिलकर सावन के महीने में मटन पकाते हैं और मटन खा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं आप, और किस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, मुंबई की बैठक में क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि नैरेटिव पकड़ लेंगे, अरे पांव पर गिरने वाला आदमी कह रहा है कि नैरेटिव पकड़ लेंगे, अरे एक सीट तो जीत दिखाइए। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई, तो जिसकी लोकसभा में एक सीट नहीं है वो लंबी लंबी बातें कर रहा है, नरेंद्र मोदी को देख लेंगे, बीजेपी को देख लेंगे, तो इसलिए जो गोपाल मंडल ने कहा वो गलत नहीं कहा, यह बात अलग है कि सहयोगी दल के विधायक के नाते उनको ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो कहा अंदर की बात थी वो बाहर आ गई है।